लगातार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ दुर्गा की ये शक्ति तृतीय चक्र पर विराज कर ब्रह्मांड से दसों प्राणों व दिशाओं को संतुलित करती है और महा आकर्षण प्रदान करती है। इनकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो चलिए आज माँ के इस तीसरे भव्य स्वरूप से आपको परिचय करवाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। माँ दुर्गा का पहला शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता चंद्रघंटा का रंग सोने के समान तेजवान है। माता के 3 नेत्र और 10 भुजाएं हैं। इनके प्रत्येक हाथों में कमल का पुष्प, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड़क, चक्र, खप्पर और अग्नि सुशोभित है। माँ चंद्रघंटा शेर पर सवार होकर आती हैं और हर समय युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। प्रचलित कथा के मुताबिक माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे व स्वर्ग लोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए ये युद्ध कर रहा था। जब देवताओं को उसकी इस इच्छा का पता चला तो वे परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने पहुंच गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुन क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर तक का वध कर देवताओं की रक्षा की। ऐसी मान्यता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वह निर्भय व वीर बन जाता है। देवताओं की आराधना से व्यक्ति के मुख, नेत्र और कायों में सकारात्मक विकास होता है। इसके साथ बुद्धि और ज्ञान में भी वृद्धि होती है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आप भोग में दूध से बनी चीजों को अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि दूध का भोग लगाने से माता प्रसन्न होती हैं और समृद्धि का आशीष देती हैं। माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप बहुत कल्याणकारी माना जाता है। तो देखा आपने कि माँ के तीसरे स्वरूप का कितना महत्व है। नवरात्र महापर्व के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति का स्वभाव सुंदर हो जाता है और उनके जीवन में कई प्रकार की खुशियां आती हैं। तो आज आप भी माँ के इस तीसरे स्वरूप को मन में बसाएं ताकि माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जय माता दी।